फर्स्ट एक्सप्रेशन को ए के दिया सेकेंड एक्सप्रेशन को बी के दिया थर्ड एक्सप्रेशन को सी के दिया इनको ज़्यादा डिटेल में फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है ए वाले में टू क्यूब थ्री स्क्यर एक्स माइनस वाई होल क्यूब और जो एक्स प्लस टू वाई होल स्क्वायर था उसको दो दफा लिख लिया बी में था टू क्यूब थ्री स्क्यर एक्स माइनस वाई होल स्केयर और वो जो एक्स प्लस टू वाई क्यूब था उसको एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई होल स्केयर स्क्र करके लिखा वन और टू थ्री तो उस थ्री को स्प्लिट करके वन और टू बनाया एक्स प्लस टू वाई होल क्यूब में वन और टू थ्री स्क्वेयर सी वाले में थ्री स्क्वेयर था एक्स माइनस वाई होल स्क्र और एक्स प्लस टू वाई अब जरा कंपेरिजन ईजी हो गई है एल सी एम ऑफ ऑल थ्री दोनों तीनों में कॉमन क्या है दो में कॉमन क्या है टू क्यूब वो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा तीनों में कॉमन है थ्री स्क्वेयर वो भी एक ही दफ़ा लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई होल स्क्स माइनस वाई होल इसमें दो एक्स माइनस वाई इसमें दो इसमें तीन तो दो वाला पार्ट सब में कॉमन हो गया एक्स माइनस वाई होल इसमें एक जो बच गया वो भी लिखें क्यों कॉमन इंटू नॉन कॉमन है नॉन कॉमन भी लिखना होगा अब इसको देखें एक्स प्लस टू तो सब में एक एक एक्स प्लस टू है वो एक लिखा इसमें कितने रह गए एक इसमें दो तो एक एक फिर कॉमन आ गया वो एक दफा लिखा ये इसमें जो एक बच गया वो लिखा एक जो तीनों में कॉमन था वो ये लिखा इन दोनों में एक कॉमन फिर एक दफा लिखा इसमें एक जो बच गया वो लिखा हैं सी एफ एज टू क्यूब थ्री स्क्वेर ये मिलकर तीन हो गए और ये भी वन टू थ्री टाइम्स सेम बेस पावर्स आर एडेड वन 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 Three times. Same base power added two or one? Three. So this is the complete answer. Come to question number nine. Bakar wishes to distribute 128 bananas and 176 apples equally among a certain number of children. point highest number of children who can get the fruit in this way. Acha. क्या दिया हुआ हैन ट्वेंटी एट बनाना एंड वन सेवेंटी सिक्स एप्पल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो इक्वली मिले तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ वन ट्वेंटी एट और वन सेवेंटी सिक्स फाइन करना पड़ेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप डिविजन से भी फाइंड कर सकते हैं और फैक्टर से भी चले फैक्टर से देखते हैं वन ट्वेंटी एट इसके फैक्टर्स बनाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम्स टू मल्टीप्लाई करें तो 128 176 के फैक्टर्स बनाएं तो ये बनेगा फोर टाइम्स मल्टीप्लाई टू फोर टाइम्स एंड देन 11 अब आप दोनों के फैक्टर्स में चेक करें कितने टूज कॉमन है 1 2 3 4 टूज 2 टूज आर 4 4 टूज आर 8 8 टूज आर 16 हेंस देयर विल बी 16 चिल्ड्रन हु विल गेट द फ्रूट इक्विटी यानी 16 चिल्ड्रन ऐसे होंगे जिनको बनाना और एप्पल इक्वली मिलेंगे क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 128 एंड 176 तो आप ये 128 और 176 डिवीज़न मेथड से भी आप उसको फाइंड करें अगर उस तरह से करना चाहें तब भी 16 ही आंसर आएगा अब बीच में जितने सवाल रह गए हैं वो तकरीबन डिवीजन मेथड से हैं और वो अगले लेक्चर में होंगे आज आपका होमवर्क है डू ऑल दीस क्वेश्चन ऑन असाइनमेंट शीट्स आपने कॉपी पे नहीं करना आपने असाइनमेंट शीट्स पर जितने भी सवाल मैंने क्वेश्चन नंबर वन के सारे पार्ट क्वेश्चन थ्री के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर नाइन ये असाइनमेंट शीट्स पर करने हैं ओके थैंक यू सो मच